क्या हो गया, मिलते रहना चाहिए। कमला माँ को मिलकर उन्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब वो पक्का जल्दी से ठीक हो जाएंगी। बस नीतू को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने स्कूल बंक किया है। हाँ बच्चा, कुछ चाहिए? कुछ नहीं। हाँ, क्या कह रही थी मैं? हाँ, मैं कह रही थी तो मेरे यहाँ मिलते हैं फिर। चल बाय। मफिन, हाउ स्कूल? स्कूल वाज फनी टू। क्या? अच्छा, अब क्या करेगी मेरी रसमलाई? चेंज करके पढ़ने जाऊंगी। ओके जान। क्या बात है नीतू, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। ऐसे ही मम्मी जी, उनकी खुश तो मैं भी खुश। चौको पाए, अच्छे से पढ़ना। ओके नीतू। आई, अब तो कितनी अच्छी लग रही है। बताए आई, कुछ दिनों से हम सब कितने टेंशन में थे, क्या हाल हो गया था तेरा, लेकिन तू फटाफट ठीक हो गई। क्यों ठीक नहीं होंगी? तुम लोगों का कितना प्यार मिला है मुझे, तुम सबने कितना ख्याल रखा है मेरा। पता मेरे साथ कौन आया? कौन आया? कल्पी, विठल। मैंने तुझसे कहा था ना, इसे अस्पताल में मत लेके आना। हाँ कहा था, लेकिन मैं नहीं माना। मैं क्यों मानूं? इसका भी मन कर रहा था तुमसे मिलने का, तो मैं ले आया। तेरी दूसरी बेटी आई तो तूने उससे कुछ कहा क्या? नहीं ना। फिर आई, तू खाना खा ले। ला मुझे दे। ये लीजिए रिपोर्ट, अब आप घर जा सकती है। अब हॉस्पिटल में रहने की जरूरत नहीं है, अब घर जाके आराम कर सकती है। कल्पी, तू स्कूल जा रही है ना बेटा? हाय। तो आज क्या सीखा तूने? मैथ और हिस्ट्री। मतलब गणित और इतिहास। हाँ हाँ मालूम है। और भूगोल, आज गुरुवार है ना बेटा, आज तो भूगोल भी होता है। हाय, भूगोल भी था। क्या बात है कल्पी, तू भूल गई या तेरा ध्यान कहीं और था स्कूल में? अरे खाना खा लेना पहले, ये सब बाद में पूछ लेना। नहीं याद था वो, बस तू खाना खा दे। कल्पी, तेरा चेहरा देख, कितनी थकी हुई लग रही है तू। तू एक तो उसे आने नहीं दे रही, ऊपर से तू उसको बोल रही है कि तू अपना ध्यान नहीं दे रही है। उसे भी तेरी चिंता हो रही है कमला। मालूम है बेटा, लेकिन तू मेरी चिंता मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूं। सुना ना तूने, कल मैं घर भी आ जाऊंगी बेटा, लेकिन तुझे सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। तू विठल की राजकुमारी है, तुझे सिर्फ पढ़ाई करके थकना है, किसी चिंता में नहीं। तुझे बहुत बड़ी मैडम बनना है। बस तुम ही मेरा मूड खराब करना। क्या हुआ?
इस घर में ना सबका प्यार मुझे मिल जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। पता है आज पुकी ने मुझसे कितने प्यार से बात की है और मेरा कहना भी माना। अब कमला नहीं है ना, इसलिए मेरी बेटी को दिखाई दे रहा है उसकी मम्मा उसे कितना प्यार करती है। चलो ये तो अच्छी बात है ना। है ना, मम्मी जी भी देख के बहुत खुश हो गई। मैं ना मतलब कमला ने जो किया पुकी के लिए मैं उसे नकार नहीं रही हूँ, मैं बहुत शुक्रगुजार भी हूँ, लेकिन उसने पुकी को मुझसे दूर कर दिया सारे। लेकिन अब मुझे मौका मिला है अपनी बच्ची के साथ बॉन्ड करने का। आई एम रियली लविंग इट साहिल। एंड आई लव यू। आई एम वेरी हैप्पी टुडे। मैं भी। ओ रानी बिटिया तेरी चमचम। अच्छा आपको स्कूल से इतना प्यार हो गया, संडे को भी स्कूल जाओगे? कुछ ही पाया, आज संडे है, स्कूल में छुट्टी है। ओ नो, मैं तो भूल ही गई, क्या करूं मैं, कैसे जाऊंगी मैं कमला माँ से मिलने? अच्छा आई एम सो हैप्पी आप इतने रिस्पॉन्सिबल हो गए। अच्छा आप एक काम करो, जाओ जाके कपड़े बदली करो, मम्मा आपको आज घूमने ले जाएगी। नीतू मैं आपको बेवकूफ लगती हूँ? नहीं बच्चा, मेरा कुछ ही पा बेवकूफ क्यों होने लगा? आज मेरा स्कूल है साइंस एग्जीबिशन। अरे पागल है क्या ये स्कूल वाले, संडे को एग्जीबिशन है ना, मैं लेट हो रही, मुझे जाना है। ठीक है बच्चा जा, हैव फन। बाय बाय। मैम साहब ये पेपर्स कहाँ रखने हैं? तू यहाँ क्या कर रही है? बच्ची ये कमला का उधार चुकाने आ गई। तेरी कमला माँ को तो जानती है ना, कोई भी मदद फ्री में नहीं चाहिए। कितनी अच्छी बेटी है देख, अपनी माँ को इतना प्यार करती है, यहाँ काम करने आ गई उसके बदले में। कल्पी नीचे रख पेपर्स अभी। कमला माँ को पता चले तो पता है उनका क्या हाल होगा? नहीं नहीं पाखी, तू मत बताना प्लीज, तू नहीं बताएगी तो आई को नहीं पता चलेगा ना, प्लीज आई को मत बताना पाखी। लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत है? नीतू ने कमला माँ के लिए पैसे भर दिए हैं और कमला माँ ठीक हो गई है, क्यों कर रही है तू ये सब? मैंने इन सबको प्रॉमिस किया था। नहीं 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 बाकी ये मेरी मर्जी थी, वो तू आई को मत बताना प्लीज। फाइन ठीक है, मत सुन तू मेरी बात, जितना अभी मुझे बुरा लग रहा है उससे ज्यादा कमला माँ को बुरा लगेगा। ठीक है तू कर अपने मन की। तुझे पता नहीं क्या पेपर कहाँ रखते हैं? क्या जरूरत थी आके पूछने की? रख अभी पेपर्स को वहां सीढ़ी के नीचे कबर्ड के अंदर रख। दीवा का आशीर्वाद है तो ठीक ठाक जल्दी से घर वापस आ गई। अब आराम कर कमला, खाने पीने की चिंता मत कर, हम हैं। अरे इतने दिन से मैं ही अपने बीबी बच्चों का खाना कर रहा था, क्या हम है? अरे पर तो मैंने कब मना किया बनाने को, तुझे कुछ बोलो तो चिढ़ जाता है, मुझे ही सब बनाना है, मुझे ही सब करना है, नहीं तो कमला ही सब करते रहती है। ठीक है ताई, कुछ चाहिए होगा तो मैं मांग लूंगी, खुद बोलूंगी मैं आपको।
पता भी है डॉक्टर ने क्या कहा है खाने को क्या नहीं कहा है। मांग के लूंगी। पेशेंट लोगों के लिए अलग से खाना होता है, कुछ भी नहीं खिला देते। क्यों पकिया? हाँ। अच्छा बाबा तू महान ठीक है, अब उसको ले जा, धूप में उसको बाहर मत रख। आराम से। राघव बाबा का फोन आया था। हाँ अच्छे से पहुंच गए। बस एक मिनट। कर रहा है विठल? अरे नजर के वजह से तेरी तबीयत खराब हुई है, यहाँ पे बहुत लोग हैं तुझे नजर लगाने वाले, पटांग से उतारनी पड़ेगी। आई की गई की जिस किसी की भी फलाने की डीम के की सबकी नजर। हट। पागल है तू विठल? वहाँ मंदिर के पास रख दो आरती। अरे वाह विठल, घर एकदम साफ सुथरा रखा है। कल्पी कहाँ है? अभी तक तो यहीं थी, पता नहीं कहाँ गई होगी। वैसे यहीं कहीं आ जाएगी, अब जैसे ही उसे पता चलेगा आई आ गई है आएगी दौड़ते हुए। लेकिन जब पता था मैं आने वाली हूँ विठल, तो कहाँ चली गई कल्पी? चाल में होती तो दिख जाती ना। हो सकता है तेरे लिए कोई गिफ्ट लेने गई हो। अरे मैं देख कर आता हूँ, और तू चिंता मत कर, तू सिर्फ आराम कर। जल्दी आना पक्या। क्या ऐसे क्या देख रहा है? अरे ख्याल रखूंगा आई का, जा आराम से जाना। एक बात बोल। क्या? तू नहीं थी ना, बड़ा अजीब लगता था। Clients, we are done. Are you serious? I told you she just grabbed ya. आई घर आ गई होगी, मुझे नहीं देखकर उनको टेंशन हो जाएगी। कल्पी सॉफ्ट ड्रिंक्स ले आना और कुछ स्नैक्स भी। अब नीतू ये तो डालिंग हमारे यहां ना काम वालों को भी स्टैंडर्ड होता है। हाँ ठीक है। ऐसे कैसे कही जा सकती है कभी? विठल कल्पी कहाँ है? चिंता मत कर, पक्या गया है ना कल्पी को देखने, आ जाएगी। हाय कल्पी। बाबा चारों तरफ इधर उधर सब जगह देख लिया, सबको पूछा, लेकिन कल्पी कहीं नहीं मिली। अरे क्या कहीं नहीं है? अरे तूने अच्छे से नहीं देखा होगा कल्पी को,
यहाँ वहां बस ऐसे ही देख लिया होगा। मैं ढूंढ कर लाता हूँ, तू चिंता मत कर। मेरी कल्पी की रक्षा कर। बेटा तूने कल्पी को कहीं देखा है? नहीं ताई, कल्पी तो 3 दिन से स्कूल भी नहीं आई। कल्पी 3 दिन से स्कूल नहीं गई है? चली गई थी। से आई घर आ गई होगी, अगर मैं दिखी नहीं तो वो टेंशन ले लेगी। मैं जाऊं? हाँ बर्तन साफ करके चली जाना। रियली? कमलामा आप रो क्यों रही हो? अभी तो आप ठीक हो गई हो ना? बाकी कल भी पता नहीं कहाँ चली गई, 3 दिन से स्कूल भी नहीं गई है। विट्ठल को भी नहीं मालूम मेरी कल भी कहाँ है, वो कैसे है। विट्ठल क्या हुआ? ओ 3-4 लोगों से पता चला है कि कल्पी रिक्शा लेकर सवेरे कहीं गई। कहां गई वो पता नहीं चला। और तू क्या कर रहा था? तेरी राजकुमारी 3 दिन से स्कूल नहीं गई है। वो रेखा को पूछा तो पता चला। विट्ठल मुझे कल्पी चाहिए। सुना सुने, मुझे कल्पी चाहिए। जा ढूंढ जाते। कमला माँ मुझे पता है कल्पी का। नीतू के यहाँ, वो वहां काम करने जाती है। अभी भी वहां पर ही है, काम कर रही है।
काम करने जाती। भी लेके आता उसे, किसने कहा था उसे काम करने के लिए? कमला, उससे पहले कि मैं अपना आपा खो बैठूं, तू जा और कल्पी को लेकर आ। तुझे काम कर देख, रोज पल पल मराऊं, ये जानते हुए भी कि ये मजबूरी है मेरी और मेरी किस्मत की। अपनी राजकुमारी को ऐसे देख मैं माफ नहीं कर पाऊंगा अपने आप को। जा, उसे लेकर आ।